हमारे खुदावन यीशु मसीह के खुदा और बाप की हमद हो, जो रहमतों का बाप और हर तरह की तसल्ली और इत्मीनान का सरचश्मा है। उसका ला तब्दील इत्मीनान आप सब के साथ हो, आमीन। आज हम समाधान के बारे में बात करेंगे। समाधान को इब्रानी जुबान में मनोरा कहा जाता है। बाइबल मुकद्दस में मनोरा का 46 मर्तबा बयान हुआ है। जब जनाब मूसा को बियाबान में पाक मस्कन बनाने का नमूना दिया गया तो समाधान के मुतालिक भी ख़ास हिदायत की गई। ये समाधान खालिस सोने का बनाने का हुक्म खुदा ने खुद खुरूज की किताब उसके 25वें बाब की 31वीं आयत में दिया और लिखा है, और तू खालिस सोने का एक समाधान बनाना, वो समाधान और उसका पाया और डंडी सब घड़ कर बनाए जाएं, और उसकी प्यालियां और लट्टू और उसके फूल सब एक ही टुकड़े के बने हुए हों। एक ही टुकड़े से बनाने का मकसद ये था कि समाधान को बनाते वक्त किसी किस्म की मिलावट जो है वो ना की जाए, क्योंकि खुदावन ने खालस सोने को इस्तेमाल करने का हुक्म दिया, क्योंकि इसमें खुदा के घर में जो रोशनी होती है वो आसमानी रोशनी उसको जाहिर करती है। समाधान का जिक्र ज़िक्रिया चौथे बाब की दूसरी आयत में भी किया गया है, और पूछा तू क्या देखता है, और मैंने कहा कि मैं एक सोने का समाधान देखता हूँ जिसके सर पर एक कटोरा है और उसके ऊपर 7 चिराग हैं, और उन 7 चिरागों पर उनकी 7 नलियाँ हैं। 7 चिराग और 7 चिरागदान का जिक्र भी बाइबल मुकद्दस में हम देखते हैं। ये जो चरागदान है ये इल्हाम गाह के बिल्कुल सामने रखा गया था इसको, ताकि इल्हाम गाह के सामने जो है वो रोशनी रहे। सो खुदा के कलाम में हम देखते हैं कि ये पाक तरीन मकाम के सामने रखे हुए थे। इसके लिए पहले सलातीन की 7-49 आयत में लिखा है, और खालस सोने के वो समाधान जो इल्हाम गाह के आगे 5 दहने और 5 बाएं थे, और सोने के फूल और चराग और चिमटे। तो ये बुजुर्ग सुलेमान ने जब हैकल बनाई तो मेरे अजीजों वहाँ पर भी ख़ास तौर पर इस बात का ख्याल रखा गया था कि चरागदान बनाए जाएं, और यहाँ पर 10 चरागदान बनाए गए, 5 इल्हाम गाह पाक तरीन मकाम के आगे रखे गए एक तरफ और 5 दूसरी तरफ। ये काहिन के पाक मकान में दाखिल होते वक्त बाएं हाथ पड़ता था, जब सुलेमान बादशाह ने खुदावन बारी ताला के नाम की हैकल तामीर की तो उसमें सोने के 10 समाधान रखे। आप इसको देख सकते हैं दूसरी तवारीख में, और उसमें लिखा है, और उसने सोने के 10 समाधान उस हुक्म के मुआफिक बनाए जो उनके बारे में मिला था। उसने उनको हैकल में 5 दहनी और 5 बाईं तरफ रखा, तो बड़ी तरतीब से उनको रखा गया, और ये दिन रात हैकल में रोशनी का काम देते थे। इनसे खुदा के घर में रोशनी जो है वो होती थी, और काहिन इन समाधानों को जलाए रखते थे। आज कलीसिया के लिए खुदावन बारी ताला की इबादत गाह बनाते वक्त हम मनोरा क्यों नहीं बनाते, जबकि ये खुदावन का दिया हुआ
सिंबल भी है, इस पर ज़रूर हमें सोचना चाहिए। और ये खुदावंद ने ख़ास जनाबे मूसा को हुक्म दिया था कि खालस सोने से बनाना, लेकिन आज कलीसियाओं में इन बातों का ख्याल नहीं किया जाता, क्योंकि मनोरा का जिक्र तो हम नए अहदनामे में भी देखते हैं। अगर आप मुकाशफा की किताब को पढ़ते हैं तो उसमें हमें 7 चिरागदान नज़र आते हैं, और इन 7 चिरागदानों से मुराद 7 कलीसियाएँ हैं। लेकिन कलीसिया ने तो खुदावंद के इस हुक्म को भुला दिया, और मनोरा का कभी कोई सोच ही नहीं रखी कि इबादत खानों में मनोरा भी रखा जाए। मुकाशफा की किताब उसके पहले बाब की 20वीं आयत में लिखा है, यानी उन 7 सितारों का भेद जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा था, और उन सोने के 7 चिरागदानों का, वो 7 सितारे 7 कलीसियाओं के फरिश्ते हैं, और 7 चिरागदान 7 कलीसियाएं हैं। सो मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, सोचें, गौर करें कि क्या आज इबादत खानों में हमें मनोरा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। ये आप कलाम मुकद्दस को देखें, मेरे मुताबिक तो खुदा के घर में मनोरा रखना चाहिए, जो कि खुदावन का दिया हुआ हुक्म भी है, और हैकल में भी था, खैमा इज्तिमा में भी था। और जब ज़िकरिया नबी रोया देखते हैं तो हमें आसमान पर भी नज़र आता है कि वहाँ चिरागदान हैं, और ज़िकरिया को जो रोया मिली उसमें भी हमें नज़र आता है। जनाबे मूसा को जब नमूना दिया गया तो वो भी आसमानी नमूना था, जिसमें खुदा ने ख़ास हुक्म दिया कि खालिस सोने से बनाना। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन।